आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज। नाज़रीन, कहावत है कि चोरों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। ऐसे ही एक चोरों की टोली ने सैबराबाद और राजाकुंडा कमिश्नरेट के कई मनादिर में सर्वे की वारदातें अंजाम दी। बहरहाल पुलिस सैबराबाद ने उनको गिरफ्तार करते हुए उन पर PD एक्ट नाफिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर्स सैयद हामिद और राहुल सिंह की ये रिपोर्ट। मशहूर कहावत है कि चोरों का कोई ईमान धर्म नहीं रहता। चोरों को सिर्फ माल व दौलत से मतलब रहता है। यही वजह है कि चोरों की टोली ने मनादिरों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे अफराद को सोना चांदी से मतलब होता है। इन सारिखों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और कलीसा से क्या मतलब। बहरहाल लौटते हैं खबर की तरफ। तफसीलात के मुताबिक 26 साला बाया चंदीपुला नागेंद्र बाबू, 24 साला पाले हरीश बाबू और 19 साला काथी विशाल चंद्रा, इन सारिखों की टोली का एक रुकन मनादिरों का जायजा लेता और तफसीलात इकट्ठा करता। टोली के दूसरे अराकिन मंसूबा साजी करते हुए रात के औकात में मौका पाकर मंदिरों से साजो सामान चोरी किया करते थे। बहरहाल सैबराबाद पुलिस हदूद राजाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में ऐसे कई मनादिरों में ऐसी वारदातें अंजाम दे चुके थे। आखिरकार पुलिस सैबराबाद ने सारिखों की टोली को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा माल बरामद कर लिया। इन पर PD एक्ट नाफिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर सैबराबाद ने मीडिया को सारी तफसीलात बताई। तो नाजरीन देखते रहिए ASJ न्यूज। रिपोर्टर्स सैयद हामिद और राहुल सिंह के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। से हमारा माधापुर एरिया में, बालानगर एरिया, सिद्धिपेट और राजकोंडा एरिया में बहुत सारे टेम्पल ऑफेंसेस हुआ। ऑलमोस्ट कुल मिला के 23 ऑफेंसेस हुआ। सो आज एक इम्पोर्टेंट गैंग पकड़े गए। ये गैंग श्यामीरपेट का नेटिव है लोग, किशोर चंद्र, नागेंद्र बाबू, हरीश और विशाल चंद्र है उनका नाम, तीनों लोकल है। ये लोग ऑफेंसेस करते थे। बेसिकली विशाल चंद्र सुबह जाके टेम्पल विजिट करके टेम्पल में क्या क्या है, क्या क्या ऑर्नामेंट्स है करके रखी करने के बाद ये लोग शाम में मिलके नजदीक जाके प्लान करके वो टेम्पल का लॉक ब्रेक करके ऑलमोस्ट 23 ऑफेंसेस किया है। 9.5 केजेस सिल्वर की तरफ से हम लोग रिकॉर्ड करके आज इनको रिमांड में भेज रहे और इनके खिलाफ भी हम लोग PD एक्ट इनवोक करेंगे।